हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। वैसे जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे वीडियो को डेली वॉच करते हैं, तो वो तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने टाइटल में भी बता दिया है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए, मेरी एक सीरीज़ चल रही है चैनल पर हमारी, और ट्रेन मैन एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि आप उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे पार्ट में मैंने बताया था आप अपने अकाउंट को एडिट कैसे कर सकते हैं, और तीसरे पार्ट में मैंने बताया था आप उससे अपना टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेन मैन एप्लीकेशन के ऊपर बना सीरीज़ मेरी चल रही है। तो जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ट्रेन मैन, तो ये रेलवे की एक एप्लीकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल फीचर एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि PNR स्टेटस देखना, ट्रेन का रनिंग स्टेटस देखना, फेयर चेक करना और फूड ऑर्डर करना, और भी बहुत सारे फीचर हैं जो कि मैं वन बाय वन आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि वेयर इज माय ट्रेन में होता है। उसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि PNR स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसमें PNR डालते हैं ना, तो ये बहुत चीज़ें हमें क्लियर कर देता है। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन अभी तक नहीं बनी है जो इसके मुकाबले काम करती हो। ये आपको बताएगा कि आपका PNR स्टेटस अभी कन्फर्म्ड हुआ नहीं हुआ, सीट आपकी कन्फर्म हुई नहीं हुई, कितने परसेंट चांस है आपकी सीट कन्फर्म होने के, आपका फेयर क्या लगा, आपकी ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो में बने रहना है, और इस वीडियो को सभी विजुअली इम्पेयर्ड तक शेयर करना है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, कई बार होता है कि ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे वेयर इज माई ट्रेन हमने ट्रेन की पोजीशन जानने के लिए रख दी, रनिंग स्टेटस के लिए, उसके अलावा PNR के लिए अलग रखो, फिर अलग रखो, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हमारे साथ होती है। तो क्यों ना एक ही एप्लीकेशन में जब हमें मल्टीपल फीचर मिल रहे हैं, तो क्यों ना एक ही एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करके रखें, और ये एप्लीकेशन पूरा एक्सेसिबल भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इसका Part 1, Part 2 और Part 3 अभी तक नहीं देखा है, तो जाइए पहले उसको देख लीजिए। अगर आपने देखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं देखा तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर Part 1, Part 2 और Part 3 से रिलेटेड आपका कोई काम नहीं है तो, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आपने मेरा Part 1, Part 2, Part 3 इस जो सीरीज़ का वो देखा या नहीं देखा, और आप चाहते हैं कि आगे इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इसके अलावा आगे मैं बताऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही कवर करेंगे कि PNR स्टेटस, कोच पोजीशन, और जो ट्रेन का जो रनिंग स्टेटस है वो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें अगली वीडियो में कवर करूंगा, जैसे फेयर कैसे देखना है, और आपको ट्रेन का जो अलग से कोच पोजीशन देखना है बिना PNR नंबर डाले, तो बहुत सी चीज़ें आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसको डबल टैप करके ऑल पे कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, और इस एप्लीकेशन को सिंपली मैं ओपन करूँगा, और ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि आप ट्रेन का PNR स्टेटस और ट्रेन का जो रनिंग स्टेटस है वो आप
कैसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में आपसे रिलेटेड जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑल पे करेंगे, उसके बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको UDID कार्ड से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ऑनलाइन रेलवे कंसेशन कार्ड से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो सारा कुछ पता ही है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक भी लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन दबा दिया करो बिना कहे, ठीक है, उसमें कहने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन ट्रेन वन। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन हो रही है, तो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही फीचर के बारे में बात करेंगे, बाकी के फीचर्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, आपके कमेंट के बिहाफ पे, जैसे आपके कमेंट मिलेंगे। तो देखिए इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो मैं पिछले 3 पार्ट में बना ही चुका हूँ, उन 3 पार्ट को देख लीजिए, अगर आपको ये इंटरफेस नहीं समझ आ रहा है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीधा ही क्या करता हूँ, स्वाइप करते करते चलूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको बुक ट्रेन टिकट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो इस सीरीज की चल रही है, ठीक है। दोस्तों इस सीरीज को मैं कंटिन्यू अब कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा गैप आ गया था और वीडियोस लानी पड़ गई थी मुझे, हालांकि इस सीरीज को मैंने कुछ टाइम पहले ही शुरू किया था, बट इस सीरीज को अब दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, राइट स्वाइप कर लूंगा। PNR status, what is my ticket status? देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है PNR status, what is my ticket status? तो इस पे सिंपली आपको क्या करना है, डबल टैप करना है PNR status prediction। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पे डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्च पी एन आर, इस पे आपको क्लिक करना है। Showing number keyboard। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाता है। अब या तो आपको PNR नंबर याद हो, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं PNR नंबर वो होता है जब आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, तो आपको 10 अंकों का एक नंबर दिया जाता है PNR। PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो PNR आपको नंबर यहाँ डालना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये कैच कर लेगा। तो चलिए मैं PNR नंबर डालता हूँ यहाँ पे। Function menu, paste. 2133758639। तो मैंने यहाँ पे PNR नंबर डाल दिया, अब मैं सिंपल यहाँ पे सर्च बटन मिलेगा, राइट स्वाइप करेंगे, सर्च बटन, देखिए सर्च बटन बोलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। नंबर कीबोर्ड हिडन। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ये देखिए लोडिंग PNR 2133758। तो यहाँ पे लोडिंग लिया इसने और मेरे सामने पूरा चार्ट ला के रख दिया। अब मैं आपको 1x1 दिखाता हूँ कि मेरे PNR स्टेटस का क्या क्या ये मुझे बता रहा है, ठीक है। ये किसी थर्ड पर्सन का PNR लिया था मैंने आपको दिखाने के लिए। तो चलिए हालांकि इनकी जर्नी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको हर कंडीशन में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करता हूँ, आगे आगे डिटेल सिलेक्टेड है, अभी ट्रेन है यहाँ पे हेडिंग ASR। देखिए ASR मतलब ये स्टेशन कोड हो गए जहाँ से उनको चलना था, अमृतसर, ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। Jan 16-0925। ये देखिए इसने तारीख बता दी, 16 तारीख की इनकी जर्नी थी और सुबह 9:25 पे ट्रेन को चलना था। आगे चलेंगे 2230PTKYEXP। यहाँ पे ट्रेन नंबर आ गया, ट्रेन का नाम आ गया, ठीक है, पठानकोट एक्सप्रेस। आगे चलेंगे हम KKDE। यहाँ पे KKDE जहाँ पे इनको जाना है वहाँ का स्टेशन का कोड है कुरुक्षेत्र का। ये देखिए आप पहले कोड बताएगा स्टेशन का, उसके बाद पूरा जंक्शन का नाम बोलेगा। Jan 16-1420। देखिए अपना शाम को ये उतार देगी 2:00 पे कुरुक्षेत्र, है ना। आगे चलेंगे बुकिंग स्टेटस। अब बुकिंग स्टेटस क्या था इनका, करंट स्टेटस क्या है, कंफर्मेशन। ये हेडिंग आ गई तीनों, अब नीचे इनकी डिटेल बताएगा। WL33RLGN। देखिए इनका ये वेटिंग चल रहा था, WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, लेकिन इनका कंफर्म हो गया। D460 विंडो सीट। देखिए इसने बता दिया D4 में इनको 60 नंबर मिल गया है, विंडो सीट है ना, साइड में विंडो वाली होती है ना। Confirmed. और ये इनकी कंफर्म्ड हो चुकी है, वेटिंग से कंफर्म हो गई थी। आगे चलेंगे WL34RLGN। अब यहाँ पे आ रहा है WL34, ये भी इनका वेटिंग था। आगे चलेंगे D466 विंडो सीट। अब यहाँ पे D466 आ रहा है, ये भी विंडो सीट है ना। आगे चलेंगे Confirmed. ये भी इनकी कंफर्म हो गई वेटिंग से। Check just now. अब चेक जस्ट नाउ आ रहा है। आगे चलेंगे Chart prepared. चार्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है इसका।
You can file for TDR. Cancellation not allowed. ये TDR क्या होता है मैं आपको बताऊं। TDR के बारे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी IRCTC वाली प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, उसमें मैंने TDR के बारे में पूरा कम्प्लीटली बता रखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये चलनी थी वहाँ अमृतसर से, प्लेटफॉर्म नंबर भी बता देगा आपको बकायदा। ट्रेन स्टेटस, ट्रेन हैज डिपार्टेड, बुकिंग नॉट अलाउड। देखिए ट्रेन स्टेटस बता रहा है ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है और टिकट आप इसमें बुक नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। सेकंड सीटर टूज, देखिए सेकंड सीटिंग में इनका था टूज, है ना, सेकंड सीटिंग मतलब जनरल डब्बा। आगे चलेंगे। फेयर कितना लगा था इनका, दो बंदों का, दो टिकट थी एक PNR में, तो 280 रुपए दोनों का लगा था, तो आपको फेयर भी बता देगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई आता है और आपको बोलता है भाई PNR का मुझे स्टेटस चेक करना है, तो आप उनका PNR का स्टेटस चेक करके उनको बता सकते हो कितना वेटिंग है, कितना क्लेरिफिकेशन है, क्या है क्या नहीं। आगे चलेंगे। ट्रेन रूट, अब देखिए यहाँ पे आता है ट्रेन रूट। अगर आप इसका ट्रेन रूट जानना चाहते हैं तो आप ट्रेन रूट पे क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रेन का रूट आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। आगे चलेंगे। कोच पोजीशन, अब यहाँ पे आता है कोच पोजीशन। दोस्तों ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अब मान लीजिए आप स्टेशन पे चले गए, ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे जाने के बाद जब हमारी ट्रेन आती है तो ट्रेन आगे को निकलती है तो सबसे पहले इंजन होता है, इंजन के पीछे सीरियस वाइज डब्बे लगे होते हैं ना, तो हमें ये पता करना हो कि इंजन के पीछे कौन कौन सा डब्बा आएगा, तो हमें स्टेशन पे क्या है कि अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा डब्बा कौन से पोजीशन पे आने की उम्मीद है। सपोज हम सीढ़ियों से उतर गए स्टेशन पे तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है इससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। आगे चलेंगे। रनिंग स्टेटस, यहाँ पे रनिंग स्टेटस, ठीक है, इस ट्रेन जब ये ट्रेन चल रही होगी तो आप उसका करंट में रनिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हो, लेकिन अलग से कैसे ट्रेन का सर्च करके करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम ट्रेन पोजीशन पे क्लिक करेंगे। कोच पर ट्रेन रूट, ट्रेन रूट पे क्लिक करेंगे। रूट, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये देखिए मेरे सामने पूरा चार्ट एकदम खुल के आ गया। अब मैं राइट स्वाइप करते करते दिखा देता हूँ आपको। टाइमिंग, होल्ड, देखिए सब कुछ बताएगा, टाइमिंग, होल्ड, कितनी देर रुकेगी। आगे चलेंगे। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी बताएगा। Pathankot, PTK, R star depth 0700 kilometers, day 1, 3. देखिए ये पठानकोट से चलते हैं सुबह 7 बजे, ये बता रहा है। आगे राइट स्वाइप करते करते चलेंगे। Denator, DNN, Gurdaspur, G, Terrible, D8, Batala, JN, Amritsar, JN, ASR, R0900, depth 0925, 25 minutes, 107 kilometers, day 1, 1. देखिए ये बता रहा है कि जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से लेकर अमृतसर तक कितने किलोमीटर कवर कर लेती है, कितने बजे वहाँ पहुँचती है, कितने मिनट वहाँ पे रुकती है, और उसके स्टेशन का कोड क्या है और नाम क्या है। तो ऐसे राइट स्वाइप करते करते जाएंगे, जहाँ तक ये ट्रेन जाएगी वहाँ तक का पूरा रूट आपको दिखा देगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक करूँगा। ट्रेन रूट बता दिया मैंने। कोच पोजीशन, अब आता है कोच पोजीशन। आप सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद हम राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे। नेविगेट अप 22430 PTK2EXP, ये ट्रेन का नाम आ गया और ट्रेन नंबर आ गया। आगे चलेंगे। इन्फो, सिलेक्टेड कोच D4, देखिए सिलेक्टेड कोच कौन सा है, D4, जिसमें हमारा टिकट है अभी, वो करंट ये सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। योर सीट, उसके बाद योर सीट D460, अमृतसर JN, अमृतसर से हमने बैठना था, है ना, ये सारा बता रहा है। आगे चलेंगे। इंजन, अब देखिए सबसे पहले आता है इंजन, इसने बोला इंजन, तो सबसे पहले इंजन आता है। इंजन आपके स्टेशन पे किस साइड आएगा ये तो आपको पता ही होता है, ट्रेन आगे जाती है तो उसके पीछे कौन कौन से डब्बे आएंगे वो देख लेते हैं। 1SLR, 1SLR ये सामान के लिए होता है दोस्तों, जो कोरियर का सामान होता है इंजन के पीछे वो डब्बा लगाया जाता है, उसका नाम बता रहा है। आगे चलेंगे। 2C1, देखिए 2C1, अब आते हैं AC के कोचेस, ये ट्रेन चेयर कार है, ठीक है, C1 आ गया पहला इंजन के पीछे। अब हमें अंदाजा मिल गया कि हमें स्टेशन पे बहुत आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद हमारा एक डब्बा छोड़ के उसके पीछे डब्बा है और उसमें हमें बैठना है अगर हमारा उसमें सीट है तो। आगे चलेंगे। 3C2, अब C2 आ गया। 3, 4D1, D1 आ गया, 5D2, D2 आ गया, 6D3, D3 आ गया, 7D4, तो इस तरह से D4 आ गया। अब हमारा D4 में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंजन को थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा अंदाजा कितना आगे गया है, उसके ठीक पीछे D4 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये कोच पोजीशन बहुत काम आता है। ये आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब सिंपली एक बार बैक करेंगे। PNR 2133, दोस्तों माफी चाहूंगा, तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज़ थी थोड़ी सही नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। Order food.
Coach position, running status. Running status तो खैर अभी नहीं देख पाएंगे because अभी ट्रेन जो है हमारी वो कब की जा चुकी है, ठीक है? तो अब सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बैक करूंगा. Back. PNR status prediction. एक बार और बैक करेंगे. Trainman. अब दोस्तों ये बात हो गई PNR status की. अब इसके बाद फिर से आप एक बार राइट स्वाइप करेंगे, मैं पूरा होम पेज पे आ चुका हूँ. Book train ticket. PNR stat running status. Where is my train? अब यहाँ पे आ रहा running status. Where is my train? इस पे क्लिक करेंगे आप. Train search. अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी ट्रेनों की. देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ. 224302 PTKY 1244512445 Address Krantinut 12232 12232 CDGLKO Express Chandigarh Lucknow. देखिए यहाँ पे पूरी ट्रेन की लिस्ट आ चुकी है नीचे. अगर आपको ट्रेन नंबर याद है या आपको ट्रेन का नाम याद है तो ऊपर आपको एक देखिए सर्च का बटन मिलता है. Enter train name slash number. Enter train name slash number. दोनों में से आप कुछ भी डाल देंगे. Showing English, India, QWERTY. जैसे मैंने इस पे डबल टैप किया मेरे सामने कीबोर्ड ओपन हो गया. तो मैं यहाँ पे एक ट्रेन नंबर डालता हूँ. मुझे ट्रेन नंबर का अभी करंट पोजीशन देखना है, ठीक है? तो वो मैं देख लेता हूँ एक बार. Showing symbol keyboard. Space. Space deleted. Showing digit keyboard. 1 2 12 4 4 5 1 2 4 4 5 मैंने डाल दिया. अब ऊपर देखिए सजेशन में ट्रेन आ गई होगी मेरी. 1 2 4 4 5 Other Sam Park Kranji Express. ये देखिए दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती है. इस पे सिंपली डबल टैप करेंगे. अब जैसे ही मैं इस पे डबल टैप करता हूँ मेरे सामने बहुत बड़ा चार्ट बन के आ गया पूरा डिटेल. अब मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा. Running MTW TFSS 182A38 Action Sharing Result. Refresh. Info. आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं. Availability. Route. Running status selected. Coach position. New Delhi day 1, 0 kilometers. Start 2051 1 minute. देखिए दोस्तों ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं. Decline button. माफी चाहूंगा दोस्तों बीच में कॉल आ गई थी. ये आपको बता रहा है कि दिल्ली से ये ट्रेन कब चलती है. ये अपना चलती है 8:50 पे, ठीक है? ये देखिए आपको दिखा रहा है. Just now. Navigate up. Panipat JN day 1, 90 PF number 16, New Delhi day 1, 0 kilometers. Start 2051 1 minute. देखिए ये आपको बता रहा है कि 8:50 पे चलती है लेकिन आज 8:51 पे चली है, ठीक है? एक मिनट हल्का से लेट हो गई. अब कितने नंबर से चली है प्लेटफॉर्म नंबर से वो भी आपको ये बताएगा. वो भी आपको ये बताएगा, ठीक है? Just now. Navigate up and PF number 3. Panipat JN PF number 16. ये देखिए 16 नंबर से दिल्ली से चलती है, ठीक है? उसके बाद राइट स्वाइप करेंगे हम. Panipat JN day 1, 90 kilometers. 2153, 2155, 2154, 2156, 1 minutes. देखिए ये बता रहा है कि पानीपत में 90 किलोमीटर आ जाती है और कितने बजे आती है और कितने बजे आई है सारा ये बता रहा है. तो ऐसे राइट स्वाइप करते करते आप आगे चले जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कितने कितने मिनट रुकेगी और कितने किलोमीटर ये कवर कर लेगी. आगे चलेंगे. PF number 3. यहाँ पे PF number 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. एंटरटेनमेंट फ्लोटिंग बटन. Pathankot Camp Day 2, 400, Jalandhar Camp Day 2, 365, Entertainment Float, Entertainment. अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, Entertainment का बटन आपको यहाँ पे मिलता है. R. Ashwin is set to return to the OD fold. He was included in India's back. यहाँ पे ना कुछ ads आ जाती है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है? Back कर देंगे. तो जैसे हम back करेंगे तो वही chart हमारे सामने आ जाएगा. तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रेन नंबर डाल के और अपने ट्रेन को सर्च करके आप उसको देख सकते हैं. तो यही थे दोस्तों आज के हमारे 2 टॉपिक. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दिव्यांगजनों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके. और इस एप्लीकेशन में लाइव करंट स्टेटस आता है बिल्कुल बिना मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती है. एप्लीकेशन की अपडेट भी आती रहती है. अगर आपने अभी तक भी अपडेट नहीं किया तो एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए. इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने तीनों ही पार्ट के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है. तो पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए और वहाँ से इस एप्लीकेशन का जो वो है वो कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? और उसके अलावा मैं आपको बताऊं
हमारी एक सीरीज और चलने वाली है आपके गूगल प्रोडक्ट को लेके, ठीक है? उसके बारे में बताइएगा आपका क्या सुझाव है कमेंट करके। गूगल ड्राइव, गूगल डुओ, गूगल क्रोम, गूगल ट्रांसलेट, ये सब पे मैं लाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया है उसको डबल टैप करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।